तो गैस फाइनली रेडमी 7M MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। मुझे ये अपडेट हाल ही में कल रात को मिला था और जो किया है इसी के बाद मैंने अपडेट को इंस्टॉल वगैरह किया। आप देख सकते हो सिस्टम अपडेट में आया हुआ है 10.3.6.0 का अपडेट और जो कि इसमें तीन चेंज लॉग आए हैं जो कि गेम बूस्टर है, ऐप लॉक है और जो कि अगला सिस्टम में है। तो सिस्टम में गैस इन्होंने सिक्योरिटी पैच लेवल दिया है और ऐप लॉक में इन्होंने लॉकिंग वगैरह गूगल कॉन्टैक्ट दिया और गेम स्पीड बूस्टर में आपको दिया है कुछ अलग सा डिफरेंट सा एक ऑप्शन। ठीक है तो गाइस यहाँ पे आप करते हैं इस जो कि रोम को इंस्टॉल और जो कि देखते हैं इसमें क्या आपको नया मिलता है और क्या आपको कुछ नया नहीं मिलता है। तो चलिए गाइस इस रोम को करता हूँ इंस्टॉल। तो इसको जो कि डाउनलोड पे लगा देता हूँ मैं, आफ्टर डाउनलोडिंग मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको क्या क्या इसमें चेंज लॉग मिलता है और आपको जो कि है इसमें और क्या न्यू फीचर्स मिलते हैं और क्या नया नहीं मिलता है। ठीक है गाइस तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और जो कि है थोड़ा बहुत देखते हैं क्या इसमें अपडेट मिलता है। तो गाइज रोम को इंस्टॉल कर लिया हमने और जो कि है MIUI 10 का जो कि है 10.3.6.0 का अपडेट आया था कल और जो कि है सिस्टम अपडेट में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्स न्यू में क्या क्या न्यू मिलता है आपको। जो कि मिलता है एक सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है जो कि अगस्त का मिलता है और जो कि ऐप लॉक में लुकिंग गूगल कॉन्टैक्ट इज अवेलेबल नाउ ऐप लॉक में, अभी ये देखेंगे। उसके बाद आता है गेम स्पीड बूस्टर, तो हैंड्स फ्री कॉल डायरेक्शंस वॉज नॉट डिस्प्लेड करेक्टली इन गेम टर्बो। तो ये तो गाइज थोड़े बहुत बग्स के और एक दो न्यू फीचर्स हैं जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ। पहले सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है आपको 1/8/2019 का, अभी चल रहा है गाइस अगस्त से और अगस्त को ही आपको सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है, हालांकि स्टेबल में बाद में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्होंने कहा था ऐप लॉक के बारे में, तो ऐप लॉक के बाद गाइस अगर हम ऐप लॉक को देखें तो ऐप लॉक में आपको गूगल कॉन्टैक्ट का कुछ था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करें गूगल तो यहाँ पे गूगल कॉन्टैक्ट का कुछ नहीं आया अभी वैसे तो फिलहाल। यहाँ पे एक अच्छा किया ऐप लॉक और हिडन ऐप्स का जो कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। पहले ये कंबाइन होता था, मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐप लॉक लिखा हुआ आता था, उसके बाद जो कि इन्होंने यहाँ पे जो कि कर दिया है इसको सेटअप और जो कि हिडन ऐप्स वगैरह कर दिया है। अगर हम इसमें जाएँ तो यहाँ पे आपको देखेगा यहाँ पे शो पैटर्न वगैरह, यूज अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और जो कि ये सब पुराना ही मिलता है और यहाँ पे कुछ नया नहीं मिलता है। तो दोबारा हम चलते हैं व्हाट्स न्यू में और जो कि देखते हैं दोबारा क्या था वो। तो यहाँ पे लिखा है लॉकिंग गूगल कॉन्टैक्ट इज अवेलेबल नाउ। तो गाइस लॉकिंग गूगल कॉन्टैक्ट, तो लॉकिंग गूगल कॉन्टैक्ट दोबारा देखते हैं हम यहाँ पे ऐप लॉक में। तो लॉकिंग गूगल कॉन्टैक्ट अगर हम हमें मिल जाता है तो गाइस हम देखते हैं क्या है वो। और यहाँ पे तो कहीं पे गूगल कॉन्टैक्ट वगैरह का कोई नेम नहीं आ रहा है। तो गैस अगर आप लोगों को मिलता है Redmi 7 में तो प्लीज़ नीचे जो कि कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए। हालांकि Redmi 5 में भी न्यू अपडेट आने वाला है 10.3.5 या 6.0 का, तो उसको थोड़ा वेट लगेगा आने में क्योंकि उसमें जो कि अभी भी थोड़े बहुत फीचर्स अभी देने बाकी हैं। तो फिलहाल एक लास्ट अपडेट था जो कि यार गेम स्पीड बूस्टर में था। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं गेम स्पीड बूस्टर। तो गैस इसका एनिमेशन देख सकते हो आप कितना अच्छा है और कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो कि गाइस इसका इंटरफेरेंस वगैरह थोड़ा चेंज वगैरह है, यहाँ पे गेम बूस्टर वगैरह जो कि इन्होंने कुछ नया गेम DND में जाके देखे थे, अलो कॉल्स अलो AI आता है, एनहांस एक्सपीरियंस तो 0 फीचर्स है, टर्न ऑफ ब्राइटनेस वगैरह आप जो कि इसमें से कर, डू नॉट ओपन नोटिफिकेशन, बाकी ये सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है गाइस तो गाइस इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं आया, वही पुराना फीचर मिल जाता है आपको। ठीक है और अगर आता भी है कुछ तो मैं आपको अपडेट वगैरह भी कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पे कुछ न्यू दिखा है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं सिस्टम एडिशनल में, एडिशनल में जाने के प्राइवेसी में, प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे आता है स्पेशल ऐप। तो यहाँ पे कुछ नया आता है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, डिवाइस एडमिन, डिस्प्ले ओवर दी ऐप, डू नॉट डिस्टर्ब, DND एक्सेस वगैरह आ जाता है यहाँ पे, नोटिफिकेशन एक्सेस आ जाता है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन सिस्टम सेटिंग वगैरह आ जाती है यहाँ पे, पिक्चर इन पिक्चर मोड आ जाता है, प्रीमियम SMS, अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा इंस्टॉल, नॉन ऐप्स वगैरह बाकी बहुत कुछ आ जाता है और यहाँ पे गूगल प्ले प्रोटेक्ट वगैरह भी आता है। एक चीज़ यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट गाइज यहाँ पे एक नया नया ऑप्शन आया है। तो गाइज अगर आप यहाँ से चेक करते हो सिक्योरिटी अपडेट तो यहाँ से भी कर सकते हो गाइज आप सिक्योरिटी अपडेट, जैसे कि MIUI 1, MIUI 2 और MIUI 3 में आएगा और MIUI 4 में भी शायद ही आएगा। और ये देखिए गाइज यहाँ पे MIUI सेम ही है, मतलब यहाँ पे अच्छा है गाइज कि इन्होंने यहाँ पे दे दिया मगर इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जो किया है MIUI में अपने आप ही एक यहाँ पे आप आराम से अपना जो कि अपडेट वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है गाइज तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलता है आपको अगली वीडियो में, टाटा एंड गुड बाय। I have you now.